अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सिर्फ ऊन से बना के आपको गेट पर्दा मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं एक पार्ट बना ली हूँ। इस तरह का हमारा एक पार्ट बनेगा। हम जो पट्टी लिए रहेंगे, इस तरह से जो हमारा पट्टी आता है, इस पट्टी को हम आधा आधा करके और दो पार्ट में अपना ये डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, मैं ये डिजाइन बनाई हूँ, तो आप लोग बताएँ कि आपको कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ से बनाना मैं स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं एक छोड़ूंगी इस तरह का, फिर यहाँ से मैं अपना डिजाइन डालना शुरू करूँगी। तो देखिए, मैं इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ, आप भी देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे डिजाइन बनेगा। यहाँ पे हमने एक जगह तीन डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया और फिर उसी के थोड़ा सा आगे इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, तो हमारा दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह का छह डबल क्रोशिया हमारा बनेगा यहाँ पे। हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन ले लिए हम और फिर ये हमारा पांचवा डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए, एक जगह हमने तीन डबल क्रोशिया लगाया, फिर एक चेन लिए, फिर एक जगह तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक जगह तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से हम छः करके इस तरह से हम बनाएंगे। ये खुटका हम जो बनाएंगे, इस तरह से छः हमारा खुटका बनेगा डबल डबल क्रोशिया करके। देखिए, यहाँ पांच डबल क्रोशिया खुटका हो गया, हम डबल डबल क्रोशिया करके बना लिया। यहाँ पे ये हमारा छठा है। देखिए, हमारा छः हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसके बाद से हम तीस चेन बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। देखिए, हमारा तीस हो गया। अब इसके बाद से हम ये बगल ये साइड का एक स्टेप छोड़ेंगे, फिर दूसरा स्टेप, तो हम यहाँ से तीसरे स्टेप से बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहाँ तुरंत फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के सहारे से हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा दो डबल क्रोशिया और ये हमारा तीन डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह का हमारा तीस चेन आ गया। यहाँ ये डबल क्रोशिया भी हो गया हमारा। देखिए, तो यहाँ पे हम छः बना दिए, एक दो तीन चार पाँच छः, हमारा छः हो गया। इसके बाद से हम फिर तीस चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हम ये छः बनाया, यहाँ पे छः बनाने खुटका बनाने के बाद से तीस चेन लिए, फिर यहाँ पे छः खुटका बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे तीस चेन लेंगे। इस तरह से हमारा छः बैठेगा यहाँ, जैसे हम बनाए हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने बनाया छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बनाया, फिर हमने यहाँ पर तीस चेन मारा। तीस चेन लेने के बाद फिर इसके बगल में हम बनाए इसी तरह का खुटका, उसके बाद से फिर तीस चेन लिए, फिर खुटका बनाए, फिर तीस चेन, फिर खुटका और हम यहाँ पे फिर से छः। तो इस तरह से करके हम देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः जगह हमने खुटका बनाया है और तीस तीस चेन के साथ। तो इसके बाद हमें ये पूरा राउंड आप लोगों को बनाने के बाद दिखाती हूँ कि इसके आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, कितना चेन बनाएंगे और किस तरह से इसमें क्या बनेगा।
देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हम लास्ट तक अपना बना के यहाँ तक ला दिए हैं। ये देखिए हमने पहला राउंड अपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया लास्ट तक। इसके बाद से हम यहाँ से घुमाएंगे तो देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, घुमाना यहाँ से ऐसे करेंगे और इस तरह से हम अपना धागा निकालेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे, इस तरह से यहाँ तक निकालेंगे तो हमारा ये इधर से धागा हमारा उठ के ये बीच तक आ जाएगा। उसके बाद से 1 2 3 चेन हम बनाएंगे छोटा छोटा और 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, तो ये तीनों को मिला के ये और ये 2 डबल क्रोशिया मिला के हमारा 3 हो गया। उसके बाद से हम एक चेन ले लिए। अब हम बीच बीच में बनाएंगे, यहाँ इसमें हम बनाएंगे और ये जो हमारा बीच का हिस्सा छोटा है, एक एक हमने जो चेन छोड़ा है उस बीच में हम बनाएंगे। तो देखिए मैं बना रही हूँ इस तरह से, देखिए फिर एक चेन ले ली, फिर दूसरा चेन, देखिए दूसरी जगह में जितना हमारा खाली है जगह, 1 2 3 4 5 पांच जगह हमारा खाली है, तो पांचों में हम इस तरह से पांच जगह हम खुटका बनाएंगे। देखिए एक जगह से खुटका का मतलब एक जगह से मैं 3 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ तो उसको मैं खुटका बता रही हूँ, तो इस तरह से मैं हम खुटका बनाएंगे। देखिए तो यहाँ हमारा ये बीच का खुटका कंप्लीट हो रहा है, तो इसके बाद से हम 15 चेन बनाएंगे। देखिए मैं बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ हमारा 15 हो गया। उसके बाद से हम ये जो हम 30 बनाए थे चेन, इसको हम आधा आधा करेंगे, इस तरह से करके आधा करेंगे और जो आधा का हिस्सा आ रहा है यहाँ से बीच से निकाल के हम यहाँ पे खुटका बनाएंगे। देखिए यहाँ से बीच से निकाल के हम यहाँ पे ऐसे खुटका बना रहे हैं। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ पे एक ही जगह से मैं 3 डबल क्रोशिया बना दी, खुटका हो गया। अब फिर हम 15 चेन लेंगे, इसके बाद से यहाँ पे एक ही बनाएंगे बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया हमारा 15। और ये अब ये हमारा जो बीच का हिस्सा है इसमें से हम खुटका बनाते जाएंगे। देखिए मैं बना रही हूँ, देखिए मैं कैसे खुटका बना रही हूँ। बीच बीच से लेके मैं खुटका बना रही हूँ, ये जो हमारा हिस्सा है ये घटना शुरू हो जाएगा और जो हमारा बगल का हिस्सा है, जैसे मैं अभी एक खुटका एक जगह बनाई हूँ एक चेन में 30 चेन में, तो वहाँ पे हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा घट रहा है और उधर बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने बीच बीच से बना लिया। देखिए अब फिर हम 15 चेन लेंगे तो इसमें बनाएंगे और फिर 15 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे खुटका बनाएंगे, तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बीच बीच में बनाई हूँ खुटका, उसके बाद से 15 चेन लेने के बाद एक खुटका बीच में मारी हूँ, उसके बाद से फिर खुटका बनाने के बाद 15 चेन बना लेके हम फिर यहाँ पे खुटका बनाएंगे, तो इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से बीच बीच में बना के ये हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ से इसके बाद जब हम यहाँ से कट करके यहाँ पे हम ऊन को ज्वाइंट किए हैं तो यहाँ से बनाएंगे। और इसमें हम अभी पहले नहीं, अभी हम ये जो हमारा बीच में जो हमारा जो दोनों के बीच में आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों बर्फ़ी के बीच में आ रहा है जो हमारा हिस्सा बर्फ़ी, इसमें हम 30 चेन का 30 चेन लेंगे और यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट करें, तो अगले हिस्से में जब हमारा आएगा तो वहाँ पे हमारा जब बैठना शुरू हो जाएगा तब हम घटाना शुरू, एक तरफ से हमारा बैठना शुरू हो रहा है उसके बाद से दूसरी तरफ से हम घटाना शुरू कर रहे हैं। देखिए बना के बता रही हूँ आपको बहुत ही आसानी से, बीच बीच में मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। देखिए इसके बाद से हम 30 चेन लेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया है इस हिस्से का, इस बर्फ़ी का हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, इस ये हमारा पूरा कंप्लीट बैठ गया है, तो यहाँ पे हम 30 चेन लेंगे, तो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए हमारा 30 हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो हमारा बर्फी है इसके बगल में उसमें लाके इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं कैसे जॉइंट कर रही हूँ, इसी तरह से आप जॉइंट कर दें। तो दो हमने बना दिया और यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह से हो गया। फिर हमने चेन ले लिया, फिर बीच से हम बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए कैसे है, देखिए फ्रेंड ये मैं लास्ट वाला अपना बर्फी बना रही हूँ, लास्ट वाला हमारा है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ तक हमारा दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ का बर्फी कंप्लीट हो गया। और ये हमारा बीच का हिस्सा बचा हुआ है, तो मैं बीच का हिस्सा बना रही हूँ। तो देखिए इसमें कोई भी चेन नहीं लेंगे हम, कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें हम बीच बीच में इसको घटाते जाएंगे, सिर्फ बनाते जाएंगे। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, देखिए इस तरह से घटाते हुए हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमारा बर्फी बैठ गया है इस तरह से। उसके बाद से हम देखिए कैसे चेन बनाएंगे, 10 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमने चेन बना लिया। और यहाँ पे लाके हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद इसको बांध देंगे यहाँ पे, और उसके बाद कट कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे इस वाले हिस्से में एक आधा हिस्सा जो हमने बना के पहले से कंप्लीट रखा है, इस तरह से हम लटकन बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप डिफरेंट कलर का ऊन ले लें इस तरह से, और अपनी उंगली के सहायता से उंगलियों से इस तरह से बनाए, उंगलियों में लगा के इसको इस तरह पकड़ लें अंगूठे के मदद से, और बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए मैं बना रही हूँ, तो आप मोटा बनाना चाहते हैं या पतला बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो मैं पतला बनाऊंगी ना ज़्यादा मोटा बनाऊंगी, तो देखिए मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। इतना बनाने के बाद से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। इसके बाद से यहाँ से बीच में हम कट करेंगे। देखिए हमारा बीच में कट हो गया। अब हम यहाँ पे बांधेंगे इसको, ऊन को जो हमने लिया है ऊन को इस हिस्से में, इसे लटकता हुआ ये हमारा आएगा, तो यहाँ पे हम बांधना स्टार्ट करेंगे बीच बीच में। मैं आपको बांध के भी दिखा रही हूँ इस तरह, दोनों को मिला देंगे हम। मिलाने के बाद दूसरा धागा हम कट करेंगे इतना लंबा। देखिए हमने धागा कट किया, और दोनों को मिलाते हुए इस धागे की मदद से हम बांधेंगे इस तरह से। देखिए मैं बांध रही हूँ, देखिए मैंने बांध लिया यहाँ से। फिर दूसरा गांठ हम लोग लगाते हैं। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा फाइनल लुक अपने गेट पर्दे का बना के दिखा रही हूँ, और मैं जोर पे लगा के मैं दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। देखिए